बलिया की यंत्र बलिया यस्ती गुंडा है गुंडा है गुंडा है बलिया डीएम चोर है चोर है चोर है बलिया डीएम नकलखोर है नकलखोर है नकलखोर है बलिया प्रशासन मुर्दाबाद 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 बलिया प्रशासन मुर्दाबाद 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 बलिया डीएम मुर्दाबाद 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 बलिया डीएम मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हाँ। भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार संघ का मंडल अध्यक्ष के साथ ही अमर उजाला का संवाददाता नगरा से नगरा क्षेत्र में भीमपुरा क्षेत्र में भिलतरा रोड क्षेत्र में धड़ल्ले से कापियां परीक्षा केंद्रों पर यूपी बोर्ड की लिखी जा रही थी। मैंने अपने सूत्रों के आधार पर संस्कृत हाई स्कूल का हल पेपर सूत्र से लिया और इसके बाद उसको अपने अखबार को अमर उजाला को भेज दिया। वह अखबार में छपा, विधिवत छपा, जो वायरल कॉपी थी उसके साथ छपा। दूसरे दिन जो है कि नहीं, कहीं से अमर उजाला को अंग्रेजी का पेपर मिल गया, वो भी जो है कि ना छपा। इसके बाद बलिया प्रशासन की पोल खुल गई। जो डीएम कहता था कि हम बुलडोजर चलवाएंगे, नंगा करके सबको नंगा करेंगे, वो खुद नंगा हो गया। जिला विद्यालय निरीक्षक नंगा हो गया और गुस्साए हुए मेरे अखबार के अजीत कुमार ओझा और मुझ पर मुकदमा कायम कर दिया। यह आपराधिक कृत्य है। आज भी नकल नहीं रुका है, बलिया में नकल हो रहा है, लिखी जा रही है, कापियां बेची जा रही हैं। दो नंबर की कापियां आकर के यहाँ जमा हो रही हैं, एक नंबर की नहीं, दो नंबर की। खुली चुनौती नकल माफियाओं ने बलिया प्रशासन को दिया है, लेकिन बलिया प्रशासन अपनी गलती मानने को नहीं हुआ है, मुंह बंद करना चाहता है। लखनऊ संवाददाताओं की अखबार की चौथे स्तंभ पर हमला बोलना चाहता है ताकि हम मौन हो जाएं। उसको भ्रम है। आपकी किस आधार पर गिरफ्तारी की गई है? कहाँ से पेपर मिला? मेरा इतना उत्पीड़न किया गया है, कोई सीमा नहीं है। तीन दिन से जो है तीन दिन से मेरा उत्पीड़न किया जा रहा है पुलिस। अरे हमने अगर उसको अखबार में छाप दिया तो पता करो कि नकल माफिया कौन है, कहाँ से वो हल साल पेपर आ रहा है। तो मुझसे ही बार बार बजा रहा है, कहाँ मिला? हमने कहा कि सूत्र से मिला।